Hello everyone and welcome to Will Say for All. Today Vishal Kumar this side and today we have a special guest Dipesh with us. Thank you sir for coming onto the show. And he's doing his M.Tech in signal processing from MNIT Allahabad. Sir, first of all, thank you for coming to our channel. You indeed achieve a lot in such a short span of time. Sir, starting with a question, how you manage your time so efficiently? Not a very great answer, but I manage the time accordingly, but like everyone manages, not any rocket science in that. Okay, sir. Sir, आप अपने audience को बता सकते हैं कि आप अपना education background from starting from school से लेकर आपके post graduation तक. Okay. तो बचपन से I studied in केंद्रीय विद्यालय. And for my preparation of IIT J, I went to Burhanpur Macrovision Academy, Madhya Pradesh. And after that, I joined BTech and a State Government College of Engineering, Government College of Engineering, Amaravati, Maharashtra. And after that, I prepared for GATE. And then I am currently doing M.Tech in signal processing from MNIT Allahabad. सर आपका आपने अभी गेट का आपने गेट एग्ज़ाम दिया था सर, तो सर गेट एग्ज़ाम के दौरान आपने कैसे प्रिपरेशन की थी और क्या आपने टेक्निक यूज़ किए थे और आपने आपका पूरा प्रोसेस कैसा गुजरा था सर, आप अपने ऑडियंस को बस बता सकते हैं? तो जैसे थर्ड ईयर का मेरा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तो हम सब दोस्त थे, हमने सोचा था कि हम लोग गेट का प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि हम लोग को कोर डोमेन में जाने में इंटरेस्ट था और कोर डोमेन की जो कंपनी थी वो हमारे कॉलेज में नहीं विजिट करती थी. हमारा मेन मोटो यही था कि हमको कैसे भी करके कोर डोमेन में हमको जॉब करनी है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, VLSI या फिर और दूसरी. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था गेट का. तो थर्ड ईयर के बाद हम लोग ने एस अकेडमी ज्वाइन किया था, उसका क्रैश कोर्स जो 2 महीने का होता है कुकटपल्ली में जाके. वहाँ पे हम लोग 3 दोस्त थे तो वही 1 साल का हमने अच्छे से पढ़ा था. सब लोग तीनों हम लोग एक साथ पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे रात को 8-8, 9-9 बजे, 10-10 बजे तक, 11 बजे तक कभी कभार पढ़ते थे और प्रैक्टिस करते थे. उसके बाद फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो फिर मैंने देखा कि मेरा रैंक जो था वो अच्छा नहीं था. मेरा रैंक था 2.5K और स्कोर था 571, तो उसमें मुझे VLSI जो था वो टॉप NITs का नहीं मिल रहा था. तो मैंने फिर सोचा, एक थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि NIT इलाहाबाद में प्लेसमेंट जो होता है वो टोटल ECD डिपार्टमेंट का एक ही होता है. उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है कि सिग्नल प्रोसेसिंग में प्लेसमेंट में बैठने नहीं मिलेगा. जो कंपनीज आती हैं वो पूरे ECD डिपार्टमेंट के लिए आती हैं और उसमें सारी ब्रांचेस अलाउड होती है. VLSI भी होती है, सिग्नल प्रोसेसिंग भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है. तो मुझे ये पता चला, मेरे एक फ्रेंड ने बताया, तो मैंने सोचा कि ठीक है हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग ऑप्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अच्छे से प्लेसमेंट करेंगे और फिर प्लेसमेंट उठा सकते हैं हम लोग. सही, ये बहुत ही मतलब मोटिवेशन है जो जो गेट लो स्कोर आने के बाद दोबारा गेट ड्रॉप करते हैं. आपने कम से कम आपने CCMT का ट्राई किया सर, तो सर आप ये बात ऑडियंस को बता सकते हैं कि काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है? हाँ, काउंसलिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो आगे का पूरा फ्यूचर है वो कॉलेज पे डिपेंड कर जाएगा. अगर आपने IIT में कोई ले लिया ब्रांच जिसका अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है जिसको प्लेसमेंट में आगे फ्यूचर बनाना है. रिसर्च वाइज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसको प्लेसमेंट में अपना फ्यूचर बनाना है, जैसे VLSI सेक्टर में बनाना है, तो उसके लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. और खाली बस वो टैग के लिए अगर ले ले तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा उसके फ्यूचर के लिए. सर आपने MNIT इलाहाबाद से M.Tech किया सर, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस NITs में और कई कई बार IIT से कंपेयर में भी आता है, तो सर आप बता सकते हो सर उसको वहाँ पर और वहाँ पर कैंपस लाइफ कैसा था सर, आपका कैसे गुजरा? एक्चुअली मैं कैंपस बस एक ही बार विजिट किया हूँ. मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, जब एक बार एडमिशन के लिए बुलाया था तब भी हम लोग सब विजिट किए, उसके बाद हम लोग नहीं विजिट किए कभी भी डायरेक्ट. उसके बाद फर्स्ट ईयर हमारा ख़त्म हो गया जी और सर. उसके बाद कंपनी हुई, वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ. 11 मंथ इंटर्नशिप होती है NIT इलाहाबाद में पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए.
सर आपने कैंपस विजिट ही नहीं किया, मतलब आपने सिर्फ कैंपस से ऑनलाइन से देखा आपने। हाँ बस एक बार ही देखा है बस, और कुछ नहीं। तो सर उसका अभी कोई आपको कोई आप तो कोई गम है, मतलब जैसे कि आप इस टाइम आप कैंपस नहीं विजिट कर पाए। हाँ थोड़ा तो गम है, लेकिन वो गम मेरा पूरा हो जाएगा क्योंकि अभी थेसिस के लिए जाना है, तो ओके सर, वहाँ पे अच्छा हम लोग सब लोग रहेंगे। अभी थेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। सर आपका एमटेक, सर आपके आप जैसे बताएगा आपका सभी प्लेसमेंट एक ही डिपार्टमेंट से होता है, पर आपका कोर्स एंड करिकुलम आपने लिया था सिग्नल प्रोसेसिंग, उसका कोर्स एंड करिकुलम कैसा था और आपने उसमें से वेला से सब्जेक्ट कैसे इलेक्टिव में लिए थे सर, आप बता सकते हैं ऑडियंस को। हाँ तो सिग्नल प्रो, अगर आपके पास NIT इलाहाबाद में आपको VLSI नहीं मिल रहा है और आपको VLSI प्लेसमेंट चाहिए, तो दो ब्रांचेस और हैं, एक है सिग्नल प्रोसेसिंग, एक है कम्युनिकेशन। तो मैं आपके सारे व्यूवर से बोलूँगा कि सिग्नल प्रोसेसिंग एक एज देता है। वाई बिकॉज क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग में एक सब्जेक्ट होता है पहले सेमेस्टर में, DIC, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट वाला, जो मिश्रा सर पढ़ाते हैं। और ये जो है उसमें सारा CMOS का बेसिक वगैरह सब कवर हो जाता है, तो ये प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो अरविंद सर पढ़ाते हैं। उसके अंदर सारे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट और जो भी छोटे कैश मेमोरी और SRAM DRAM, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये सब प्लेसमेंट ओरिएंटेड दोनों सब्जेक्ट है। बाकी जो है सब्जेक्ट वो हमारे कोर यानी कि सिग्नल प्रोसेसिंग डोमेन के हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्लेसमेंट में काम नहीं आते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में काम आते हैं। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे मतलब सी हो गया और वेरी लॉग हो गया, ये सब आप अपने खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में क्या है कि आपके पास ये दो सब्जेक्ट भी आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो सर आपने कैसे कोप अप किया इससे, और जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन लेते हैं सर उनके लिए टफ हो जाता है ये वीडियो समझाना। नहीं टफ नहीं पड़ जाता। देखिए आपका इंटरव्यूअर जो भी है वो आपसे पहले पूछेगा कि आपका एमटेक काहे में है, कौन से स्पेशलाइजेशन में है, तो उसके बाद फिर वो आपको पूछेगा उससे रिलेटेड। और आपने थोड़ा भी बेसिक अगर अच्छे से बता दिया तो वो आपको कंसिडर कर लेगा। और बाकी जैसे इंटेल जो कंपनी है वो एक बार का प्रिफर करती है कि अगर आप एमटेक VLSI के हैं तो वो आपको प्रिफर करती है। लेकिन बाकी जो कंपनी है, सिनोप्सिस, कैडेंस और क्वालकॉम, यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, लगभग मतलब 80% जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट हो चुका है, 80 to 90%। कुछ एक दो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका उनका मतलब मूड नहीं है, सर तो प्लेसमेंट, अच्छा है मतलब ये भी एक। सर प्लेसमेंट के सर स्टूडेंट को IIT प्रेफर करना चाहिए क्या NIT? अब ये तो सबका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर एक IIT जिसमें प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और एक मेरा कॉलेज है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ प्लेसमेंट सही है, आप इधर ले लीजिए, अगर उधर प्लेसमेंट बेटर नहीं है तो। ओके सर, सर आपका कॉलेज आउट, जैसे कि आप तो कॉलेज विजिट नहीं कर पाए, आपको ऑनलाइन कैंपस था, तो सर आपका कॉलेज आपके ग्रुप कैसे रहे सर, मतलब जो आप तो कभी कितना हेल्पफुल थे, जैसे कि आप तो अपना सब ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने हाँ साथ तो पढ़ाई भी किया होगा, आपने दो कोर्सेज CMOS और कंप्यूटर हाँ हाँ आर्किटेक्चर, हाँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि हम लोग के जितने सिग्नल प्रोसेसिंग में दोस्त थे, हम लोग का 6-7 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग प्योर VLSI प्लेसमेंट के लिए हम लोग प्रिपेयर करते थे। तो हम लोग रात को टीम्स का कॉल होता था, तो वहाँ पे एक बुक है VLSI की, मतलब वेरिलॉग की, समीर पालनेटकर, आपको मालूम होगा, तो वो हम लोग शेयर करते थे और एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा गो थ्रू करते थे और साथ में डिस्कस करते हुए चलते थे, और साथ में कोडिंग भी करते थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। एक वेबसाइट है HDL बिट्स करके, तो उसमें प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहां से हम लोग साथ में शेयर करके हम लोग पढ़ते थे और कोडिंग करते थे, EDA प्लेग्राउंड वाला जो एक वेबसाइट है उसमें, तो सर काफ़ी तो डाउट्स वगैरह सब आपके सॉल्व हो जाते थे। ईयर्स काफ़ी आपके हेल्पफुल रहे सर। सर एक और हाँ डाउट है बहुत सर, ज़्यादा। सर CCMT काउंसलिंग से ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर कि NIT सी फीस सर कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है सर IIT से, तो सर आपने इस बात को कैसे कोप अप किया, मतलब कैसे आपको फाइनेंशियल इशू कभी हुआ इसका सर? देखिए मेरे केस में तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का कि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ठीक ठाक घर से आ रहा, फाइनेंशियल ओके है, तो मुझे तो नहीं हुआ। लेकिन फीस वाइज आपका 50-60K पर सेमेस्टर के आसपास लग जाता है, अगर आप ओनली फीस की बात करते हैं, बाकी इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है।
ओके सर, पर आपने इसे बाकी लेकिन एज कम्पेयर टू IIIT दिल्ली एंड बिट्स एंड ऑल, तो मुझे तो लगता है ये बहुत बेटर ऑप्शन है। ओके सर, सर एज ए एन आई टी है सर, आपको कितना टफ होता है सर फॉरेन बेस्ड कंपनीज में जाना? आपको आपको कहीं एज मिलता है इस प्रीमियम इंस्टीट्यूशन पढ़ने का? हाँ ऑब्वियसली एक एज मिलता है, क्योंकि हमारे जो सुपर सीनियर रहे हैं उनका बहुत एक अच्छा उनका अच्छा स्टेटस है, क्योंकि वो अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत सारे सीनियर मिले मेरे कॉलेज के, और सुपर सीनियर भी मिले, तो वो बताते हैं कि सबका अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसीलिए जो कंपनी है वो एक बार दो बार से ज़्यादा आती है हमारे कॉलेज में विजिट करने के लिए। इस बार देखा जाए तो कम से कम, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 3-4 बार हमारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए विजिट कर चुके हैं क्वालकॉम। सर काफ़ी अच्छी बात है सर। सर आपके क्वालकॉम में सर इंटरिम इंजीनियर इंटर्न के रूप में आपका आपका पोजीशन मिला है सर। सर आप उसका पोजीशन का बता सकते हैं कि उसके लिए कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने स्टेजेस थे? दो स्टेज होता है। सबसे पहले आपका TPO जो है वो आपका पॉइंटर, एक तो क्राइटेरिया रहता है, मेरे को रिमेम्बर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, लेकिन एक 8 पॉइंटर वगैरह होगा तो सही है। और एक सर हायर प्रो में आपका टेस्ट होता है यस ऑनलाइन सर प्रोक्टर का, उसके बाद फिर आपका शॉर्टलिस्ट आता है, एक मतलब आपका नाम आता है, फिर इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे, फिर एक ही इंटरव्यू राउंड होता है इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद फिर जो भी है आपका सिलेक्शन या से नो है वो रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। शॉर्ट में यही है प्रोसीजर। सर क्वालकॉम में PPO कन्वर्ट करने का चांसेस कितने होते सर? 99%। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो स्टूडेंट्स ऑडियंस को सर काफी अच्छा। मेरे क्लास से 20 मेरे टोटल ECD डिपार्टमेंट से लाइक 20 से 25 स्टूडेंट्स अराउंड सारे क्वालकॉम में इंटर्न थे, उनमें से लगभग सबका हो गया है, दो लोगों का बचा है, और मेरी उम्मीद यह है कि उनका भी हो जाएगा, और उनका भी इंटरव्यू चल रहा है अलग अलग टीम्स में, तो ये बहुत अच्छा हाँ सर बहुत ही अच्छा, नंबर है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनीज के विथ रिस्पेक्ट में। सर ये तो काफ़ी अच्छा है सर। और सर आप जैसे कोई और ऑडियंस देख रहा है सर, उसको भी क्वालकॉम में इंटरियम इंजीनियर इंटर्न या इस पोजिशन में जाना है, तो सर उसको कौन सी, जैसे आपने बताया HDL बाइट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना या EDO प्लेग्राउंड में क्वेश्चन हो उनको वेरिलॉग कोड रन करना, सर इसके अलावा कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? आप जैसे बुक का नाम बताया, बुक बताया आपने, आप लोग टीम से पढ़ते हैं तो सर आप बता सकते बुक का नाम या उसके PDF से जो डाउनलोड कर सके? देखिए मैंने फ्रेंकली बताऊं ज़्यादा बुक बुक नहीं पढ़ा है, जितना हमारे सर लोग पढ़ाते थे उतना ही पे अच्छे से ध्यान दिया, उसके नोट्स बनाए, और DIC वाला जो सब्जेक्ट था उसके लिए बुक है कैंग करके, आपको मालूम होगा, तो कर से वेरीलॉग पढ़ा है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए ज़्यादा बुक नहीं फॉलो किया, सर के नोट्स जो थे सर जो पढ़ाते थे बस वही फॉलो किया है, बेसिक बस उतना सफिशेंट होता है बेसिक। ओके सर, सर इस प्रोसेस में सर आपको आप जैसे कि ये इंटरव्यू से खत्म होने वाला है सर, जो आप कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिससे, या कोई मोटिवेशन टिप्स जो ऑडियंस देख रहे हो उनको काफ़ी सीखने को मिले? ऐसा कोई मैं कोई एक बात मोटिवेशन तो सर, नहीं बता सकता, मतलब यही है कि VLSI में आपको सब लोग यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा कोई गलती भी करते हैं आप लोग तो बहुत डांटते, ऐसे नहीं है, आपको कंस्ट्रक्टिव वे में आपको फीडबैक दिया जाता है कि अगली बार ध्यान रखिएगा, और ऐसा कर सकते थे, बढ़िया कर सकते थे। और तो मैं जैसे VLSI डिज़ाइन फ्लो में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। बैक एंड को हम लोग यस फिजिकल डिज़ाइन भी बोलते हैं, सर तो फिजिकल डिज़ाइन में बहुत सारे स्टेजेस होती है, सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्लोर प्लान पार्टीशनिंग, फिर होता है PNR STA फिजिकल वेरिफिकेशन, और फिर आखिरी में टेप आउट। तो मेरा जो डोमेन है वो है पार्टीशनिंग, तो पार्टीशनिंग आप लोगों को जैसे बेसिक आइडिया दूंगा तो एक जो बड़ी एक स्क्वायर शेप की SOC होती है, तो उसमें अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं, यस सर जैसे कि आपका एक जगह पे CPU होता है, एक जगह पे होता है DDR, एक जगह पे होता है आपका ऑडियो कंट्रोलर, एक जगह पे होता है वीडियो प्रोसेसर, एक जगह DSP ब्लॉक होता है,
तो मेरा जो काम था वो DDR सब सिस्टम में काम था, और उसका जो शेप है उस SOC में, उस ब्लॉक का कितना शेप रहेगा और उसका एरिया क्या रहेगा, तो ये सब डिसाइड करना पड़ता है। और उसकी जो भी पिंस रहती हैं, जो हर ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्शन होगा, तो दो टाइप से कनेक्शन होगा, एक होता है फीड थ्रू, एक होता है पिंस के थ्रू। तो पिंस जो है और फीड थ्रू, जो FTs बोलते हैं हम लोग उसको शॉर्ट में, तो इनका सबका जो जिम्मा था वो पार्टीशनिंग टीम के अंदर। और मेरे मेंटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, और मतलब सभी अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं सर बाकी। बस अल्टीमेटली बस हार्ड वर्क का देर है, बाकी आपको सबको मदद करने तैयार है सर। हाँ, आप खुद से अगर आप चाहेंगे पूछेंगे तो आपको हर कोई बताएगा, कोई मना नहीं करेगा कि नहीं अभी नहीं, हो सकता है थोड़े बिजी हो तो तब ना बताएं, लेकिन उसके बाद में जरूर आपकी कोई ना कोई हेल्प करेगा। और कल्चर वाइज अच्छा है यहाँ पे, है कोई सर, ऐसा दिक्कत नहीं है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, आपका वर्क एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है सर, स्टूडेंट काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो सर इसी 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 के साथ मैं ये इंटरव्यू एंड करता हूँ सर। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया सर, और इस और आज आज आने वाला ऑडियंस जो विरासत के प्रति जाने वाले, वो समझ सकती है आगे कैसे पढ़ना हो। थैंक यू सर। Thank you.